बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। YouTube के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान 13वें रोज़ भी जंग शिद्दत से जारी है। आज़रबाईजान जंग में बरतरी हासिल करता जा रहा है। आज़रबाईजान बहुत से इलाके आर्मेनिया के कब्जे से आज़ाद करवा चुका है। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज़रबाईजान की आर्मी जहां भी फौजी कार्रवाई करती है वहां आर्मेनियन आर्मी को पसपाई के सिवा और कुछ नहीं मिलता। ऊपर से आर्मेनिया अपना असलाह, पत्थरबंद गाड़ियां और जदीद टैंक्स जंग के मैदान में खुलेआम छोड़कर भाग जाता है, और ये खबर आज़रबाईजान की जानिब से बताई गई है। यानी अब आर्मेनियन आर्मी उस दिनों की तरह मैदान छोड़कर भाग रही है और अपना कीमती असलाह भी छोड़कर भाग जाती है। नाज़रीन, ये दावा आज़रबाईजान की जानिब से किया गया और आज़रबाईजान अपने हर दावे को वीडियो क्लिप की सूरत में सबूत के साथ पेश करता है। नाज़रीन, एक और ख़बर के मुताबिक आर्मेनिया की जानिब से आज़रबाईजान पर ख़तरनाक बैलिस्टिक मिज़ाइल के हमले भी किए गए, और इसका मकसद आज़रबाईजान को इश्तियाल दिलाना था कि जिसके बाद आज़रबाईजान कोई ऐसी गलती करे ताकि उसके बाद दुनिया की हिमायत आर्मेनिया के साथ हो जाए। या तो आज़रबाईजान इश्तियाल में आकर आर्मेनिया की सिविलियन आबादी को निशाना बना ले, या फिर बैनुल अक्वामी सरहदों की खिलाफ वर्जी करे। लेकिन आज़रबाईजान ने इस मामले को बहुत समझदारी से हैंडल किया। आज़रबाईजान जीता हुआ मार्का हारना नहीं चाहता था, इसीलिए आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि हम हक की जंग लड़ रहे हैं, हम अपने इलाके वापस ले रहे हैं, हमने बहुत अरसे इंतज़ार किया और अब हम अपनी ज़मीन से नाजायज़ कब्जा छुड़वा रहे हैं। हम ना ही किसी बैनुल अक्वामी सरहद की खिलाफ वर्जी करेंगे और ना ही किसी नाहक का खून बहाएंगे। अगर आर्मेनिया अमन की बात करता है तो हम अमन के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आर्मेनिया को अपनी फौजें पीछे हटानी होंगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब रूस ने भी ये कहा कि आज़रबाईजान अपने इलाकों की जंग लड़ रहा है और आज़रबाईजान ने अभी तक किसी बैनुल अक्वामी सरहद की खिलाफ वर्जी नहीं की। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।